दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोएक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मोटो काफी तगड़े स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है पिछले 3-4 महीने से। करीब नवंबर में G31 लॉन्च किया था, फिर दिसंबर में G51 लॉन्च किया, जनवरी में उन्होंने G71 लॉन्च किया, उसके बाद फरवरी आ गया है। फरवरी आधा चला गया, अभी तक कोई प्लान नहीं था उनका, लेकिन अब आ गया है कि 24 फरवरी को, यानी 24 फरवरी को ये लोग एक फ्लैगशिप लॉन्च करने वाले हैं। मोटो एज X30 जो चाइना में लॉन्च हुआ है, वो इंडिया में मोटो एज 30 प्रो के नाम से आने वाला है। वैसे कमाल की बात यह है कि माय स्मार्ट प्राइस ने इसके प्राइसेस लीक कर दिए हैं, मतलब इसका बॉक्स प्राइस जो है ना वो लीक हो गया है। एंड उसके हिसाब से मानेंगे तो इसकी प्राइस होने वाली है 56,000। अब आप कहोगे यार 56,000 कौन बाय करेगा, लेकिन एक ट्रिक है इसके पीछे। जो चाइना में लॉन्च हुआ है ना, वहां पे दो अलग अलग वेरिएंट्स गए हैं, वैसे तो चार गए हैं। एक 8GB 128GB का है जो कि वहां की प्राइस के हिसाब से 38,000 पे है, कन्वर्ट करते हो इंडियन प्राइसिंग से, और एक है 8GB 256GB यानी 8GB 256GB वाला जो कि 40,000 के आसपास आता है, 40,500 के आसपास। तीसरा है 12GB 256GB जो कि 43,000 के आसपास आता है, और एक स्पेशल वेरिएंट है, पता है, अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला, वो 47,000 के आसपास जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो प्राइस लीक हुई है ये अंडर डिस्प्ले सेल्फी वाले की है जो कि इंडिया में 56 है। अब बॉक्स प्राइस 56 है तो पॉसिबली आपको प्राइसिंग इंडिया में थोड़ा कम देखने को मिलेगा उसका, क्योंकि नॉर्मल प्राइसेस जो होते हैं वो बॉक्स प्राइस से कम होते हैं। लेट्स सी, वेट कर लेते हैं। 24 तारीख को कहा जा रहा है लॉन्च होने वाला है। बाकी सारी चीजें स्पेसिफिकेशन वो स्मार्टफोन में सेम है, कोई भी डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही सिर्फ सेल्फी कैमरा का डिफरेंसेस है, बाकी और कुछ नहीं। स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो इसमें आपको 6.8 इंच का पीओलेड पैनल मिलता है 144Hz का, फुल HD प्लस का। अच्छी चीज है। एक डिसअपॉइंटमेंट आपको लगेगा कि इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, इस प्राइस में नॉर्मली अंडर डिस्प्ले आ जाती है। एंड बाकी सारी चीजों की बात करें तो रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा है, अच्छी चीज है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन है, वो भी अच्छी चीज है, मतलब डिस्प्ले डिजाइन आपको तगड़ा मिलने वाला है। चलिए इसके बाद अगर चिपसेट की बात करोगे तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट आता है, यानी स्कोर जो है दुदु का 1 मिलियन के ऊपर जाएगा, 10 लाख के ऊपर। परफॉर्मेंस तगड़ा होने वाला है, एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही आएगा जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, तो आपको ब्लोटवेयर्स नहीं रहेंगे, सारी चीजें नहीं रहेंगे, एडवेड नहीं रहेंगे, क्लीन रहेगा एकदम, एक्सपीरियंस एकदम तगड़ा रहेगा। चलिए अच्छी चीज है। कैमरा की बात करते हैं, रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा है जिसमें दो सेंसर जो है ना 50 मेगापिक्सल वाले, 50+50, और एक अल्ट्रा वाइड है एंड एक प्राइमरी सेंसर है OIS के सपोर्ट के साथ। एंड तीसरा वाला सेंसर 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है, रियर से 4K कर पाओगे। फ्रंट में आपको 60 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो कि तगड़ी चीज है, दोनों में, अंडर डिस्प्ले वाले में भी एंड नॉर्मल वाले में भी 60 मेगापिक्सल का सेंसर है। रियर फ्रंट दोनों साइड से 4K कर पाते हो, रियर में फ्लैश दिया है, फ्रंट में नहीं दिया है, डिपेंड करता है कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। सेंसर्स आपको एकदम बवाल दिए गए लिटरली को, तो चलिए अच्छी चीज है। इसके बाद बैटरी की बात करोगे तो 5000 mAh की बैटरी है, इसके साथ 68W का फास्ट चार्जर आता है, यानी आराम से 35 से 40 मिनट में आप फुल चार्ज कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। 5000 mAh की बैटरी की वजह से थोड़ा सा थिक लगता है स्मार्टफोन, बाकी और कोई इशू नहीं है, मतलब टाइप सी का पोर्ट है, 68W का फास्ट चार्जर है, 5000 mAh की बैटरी है, इनफ है, अच्छा है काफी। सेंसर्स की बात करोगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, बाकी सारे सेंसर्स आपको इश्यूज नहीं करेंगे। एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास, जितने भी सेंसर्स हैं सारे मिल जाएंगे आपको इसमें, सेंसर्स में आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। इसके बाद बाकी चीजों की बात करें तो स्लॉट नहीं रहेगा, एक्सपांडेबल स्लॉट नहीं रहेगा, एक्सपांड नहीं कर पाओगे, यानी जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी 8GB 128GB स्टार्टिंग है तो इतना तो इनफ होना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई इशू आने नहीं चाहिए। दूसरा है 8GB 256GB, तीसरा है 12GB 256GB, चौथा भी 12GB 256GB है, खाली वो कैमरा जो फ्रंट वाला है ना उसके डिफरेंसेस है, एक में अंडर डिस्प्ले है, एक में नॉर्मल है सेल्फी। वेट करोगे कि नहीं इसका जरूर बता देना। वैसे 24 तारीख को कहा जा रहा है लॉन्च होने वाला है, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन जैसे आएंगे वैसे आपको बता दूंगा। पसंद आ रहा है आपको स्मार्टफोन अगर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक्टे में जिसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया कंटेंट, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।